हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे और हम भी थोड़ा बहुत अच्छे हैं दोस्तों। आज तो पहले से तबीयत थोड़ा बेटर है। तो गुड दोस्तों, जो भी हमारे चैनल में नए आए होंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। और गुड मॉर्निंग सबको, और सबसे पहले नमस्ते सबको, मेरी यूट्यूब फैमिली को। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, सुबह सुबह ही कर रही हूँ। मतलब 7:30 बजे हैं और हमने नहा लिया है, तो आवाज़ से पता लग रहा होगा क्या हुआ है दोस्तों। 2-3 दिन से ना सर्दी से बहुत बुरी हालत है। दिवाली की मिठाइयाँ खा खा के ना सर्दी हो गई हमें। तो अभी जो है हमने हेयर वॉश भी नहीं किया हुआ है सर्दी की वजह से, क्योंकि डॉक्टर के पास गए थे हम, नाइट को ही गए थे, 7:30-8 बजे गए थे हम। और उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दिया, फिर टैबलेट वगैरह दिए हैं, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। वो मेरी क्यूटी बेबी को सर्दी हुई ना, उसकी वजह से वो कैसा मेरे साथ ही सोती, तो उसके चलते चलते सर्दी का इन्फेक्शन क्या होता है कि एक को हुई तो दूसरे को होना मतलब संभाविक ही होती है। तो उसको हो गई और फिर मुझे भी हो गई और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है दोस्तों। तो मैंने देखी दोस्तों, ये देसी इलाज किया हुआ है मैंने, जो है येलो येलो दिख रहा होगा ना कुछ, तो देखिए गले में, तो ये गले में क्या लगाया हुआ है। मम्मी बहुत दिन से चिल्ला रहे थे मुझे, क्योंकि अभी हिमाचल की बात करूँ तो उधर आयुर्वेदिक ही ज़्यादा चलता है, बाहर की टैबलेट ज़्यादा नहीं चलती है। उधर देसी इलाज बहुत होते हैं पहाड़ों में, और इधर ससुराल में तो इतना नहीं देखा मैंने, लेकिन सासू माँ भी करते हैं, अजवाइन वगैरह का धूर देते हैं मुंह में, और क्या बोलते हैं उसको, भाप वगैरह देते हैं। लेकिन मम्मी मुझे ना बहुत दिन से बोल रही थी कि अनु ऐसा कर, अनु वैसा कर, वैसा कर, लेकिन क्या करना गाइस, मतलब मन ही नहीं कर रहा था, इतना सर्दी से मतलब बेहाल थी। और ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ हर दिन के गाइस, अभी ठंड भी आ गई है, तो मैंने सोचा चलो सुबह सुबह ही बना देती हूँ। अभी थोड़ा अंश सोई हुई है और सासू माँ मायके चले गए हैं, और अभी जो है ये वाला जो लगाया हुआ है ना मैंने, ये सूख गया है दोस्तों। तो देखिए ये वाला ना मैंने हींग लगाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ना उससे इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हींग की मतलब जो बदबू मतलब खुशबू रहती है, दोनों ही मुझे ना बहुत ऐसा सर दुख रहा है उससे। मैं मम्मी को बोल रही थी बस निकाल दे रही, मम्मी बोलती थोड़ी देर रख जा ऐसा कपड़ा चुनरी वगैरह ओढ़ ले इसमें, तो मैंने नहीं ओढ़ी वगैरह, मैं ऐसी बैठी हुई हूँ चेयर में, और ये हींग इसलिए लगाया, मम्मी बोलती से निचार होता है। लेकिन इधर देसी हींग मिलना बहुत ही मुश्किल है, और मैंने जो पाउडर रहता है ना दोस्तों, वो जैसे घर में लेके आते किचन के लिए, वही गर्म पानी में थोड़ा सा मिक्स किया, और सच में थोड़ा बहुत बेटर फील लग रहा है, और गले की आवाज़ भी थोड़ा चेंज हो गई है। मैंने अभी लगाया है, मतलब 10-1 मिनट हुआ होगा, लेकिन यार सच में मम्मी की बात पहले सुनी होती तो पहले ऐसा ठीक हो जाता, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता, इंजेक्शन लगाना नहीं पड़ता। एक इंजेक्शन के बजाय मुझे उन्होंने 2-2 इंजेक्शन दिए, एक तो सर्दी का दिया, दूसरा बुखार वगैरह का दिया, और कुछ एक टैबलेट दिया। टैबलेट मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने ना जब मेरी प्रेगनेंसी थी ना, और मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हार्ड गई हुई है, मतलब बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही थी मेरी, तो उसमें जो है मुझे इतनी सारी टैबलेट थी खाने के लिए, क्योंकि मेरा डायडल्फिस यूट्रस है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल होता ना प्रेगनेंसी, तो उसमें भरोसा नहीं होता है बेबी का, तो इसलिए मुझे डॉक्टर ने, जब बेंगलोर में रहती थी तब मैं एक अच्छी गायनिक थे मेरे, तो उन्होंने मुझे इतनी टैबलेट लिख लिख के देनी, भगवान, मतलब पूरा दिन भर वो टैबलेट ही खा खा के ना पेट भरता था मेरा, खाना मैं इतना खाती नहीं थी, तो मतलब अभी ना मेरा टैबलेट खाने का मन भी नहीं करता है बिल्कुल, ऐसा अजीब जैसी लगती है। तो वो तो हो गया, चलो टैबलेट वगैरह का अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है आपके साथ बात करने के लिए। और कभी कभी मन ही नहीं करता दोस्तों ब्लॉग बनाने का, इतना मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, बीमार हो जाए, और इतना घर का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, अंशु के साथ भी उसका देखना पड़ता है, तो नहीं हो पाता है मेरे से। तो दोस्तों मेरे जो है, मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो है, बहुत अच्छा मतलब रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और मतलब कितना देर लगी लेकिन मतलब नहीं होता है, बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट किया हुआ था ना अपनी यूट्यूब की, तो मैंने सोचा नहीं था कि यार मेरी भी सब्सक्राइबर इतने बढ़ेंगे, मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा, नहीं सोचा था। मैं ऐसे ही खोल दिया था, दूसरों का देख कर ऐसे मैं
एक का ब्लॉग देखती, मुझे बहुत अच्छा लगता था, ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड को बोला। वो तो आपने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं। तो मैं उस उनको बोला मुझे भी ऐसा बनाना है, ऐसा वीडियो बनाने हैं, ऐसे डालने हैं, अपलोड करने हैं। तो उन्होंने भी खोल के दे दिया था मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरी जर्नी जो है बैंगलोर में स्टार्ट हुई है, कर्नाटका में। तो मैं तब वो फौजी साहब के साथ ही रहती थी। तो अभी तक जो है 1 साल भी कंप्लीट हो गया है। और मेरी फैमिली मेंबर जो जुड़े हैं ना यूट्यूब के, बहुत बहुत मतलब अच्छे से जुड़ गए, क्योंकि 1 साल में इतना हो पाता है, किसी का नहीं भी हो पाता है। नहीं है मेरे, लेकिन 1800+ है, लेकिन उसके लिए मैं ना दिल से थैंक यू बोलती हूँ दोस्तों। और ऐसे ही प्यार बनाइएगा दोस्तों, और दुआ कीजिएगा कि मैं एक दिन जो है बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूं। और जो दोस्तों मैं एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगी, और खुशी भी होती है जब मैं अपना चैनल खोलती हूँ आर्ट स्टूडियो में, तो व्यूज़ भी अच्छा खासा आ रहा है। लेकिन वो जो कमेंट करते हैं, दीदी प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि हर दिन ब्लॉग डाला करो। और दोस्तों अभी नहीं हो पाता है, तो अभी फौजी साहब भी आएंगे और इतने शादी की तैयारियाँ भी चल रही है साथ साथ में, तो नहीं हो रहा है मेरे से। लेकिन कोशिश करूँगी मैं, जब हिमाचल जाऊँगी हिमाचल के पहाड़ों के ब्लॉग जो है हर दिन आएंगे, हर दिन मतलब डालूंगी मैं, कोशिश करूंगी हर दिन की। लेकिन इधर नहीं हो पाता है दोस्तों, समझा करो। मतलब अभी ससुराल है तो ससुराल के काम भी थोड़ा देखने पड़ते हैं, और कोई मेहमान आता है तो उनके सामने फोन लेके खड़ी होना मतलब वो अलग ही लगता है ना। तो इसलिए मैं जो हूँ वो ज्यादा श्योर नहीं करती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। आधी फैमिली को नहीं मालूम है मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि वो जो है ना क्या करते हैं कि जैसे अपने रिश्तेदार होते हैं दोस्तों, सही है कि नहीं आप मुझे कमेंट करके बताना। मतलब जैसे आपने खुद के रिश्तेदार हैं, मुंह के सामने बहुत अच्छा बोलेगा कि हाँ नहीं बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते, मैं तो आपकी हर वीडियो देखता हूँ, सब्सक्राइब भी करवा लिया उनसे। लेकिन दोस्तों पीठ पीछे हो जाए ना, बहुत बातें करते हैं यार। खुद मेहनत करके देखो कितना टाइम लगता है, मतलब सफलता पाने के लिए कितना मेहनत लगता है, कितना टाइम लगता है यार। कोई तो बोलता है कि हाँ कि इतनी जल्दी जो है क्या वीडियो बनाना और डाल देना उसमें, ऐसा थोड़ी नहीं होता है यार। कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने के लिए, उसको एडिट करना पड़ता है, फिर अच्छे से देखना पड़ता है, फिर उसको जो है वो अपलोड करना पड़ता है, थंबनेल बनाना पड़ता है। इतना टफ है यार ये, ऐसा थोड़ी नहीं कि ब्लॉग में कुछ भी डाल दो आप वो हो जाएगा वायरल, ऐसा नहीं होता है ना। तो दोस्तों हाँ, दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे YouTube फैमिली जो है इतने कंप्लीट हो गए, और आगे भी अभी क्या कोशिश करती रहूँगी मैं, और आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग जो है अच्छे लगते होंगे। अगर थोड़ा सा चलो मैं अपनी हिस्ट्री बता देती हूँ, क्योंकि हर ब्लॉग में जो है नए आते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम अनुराधा है, और मैं जो हूँ अभी महाराष्ट्र में रहती हूँ, मेरा ससुराल महाराष्ट्र में है, और मेरा मायका जो है हिमाचल प्रदेश में है। मेरी एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, और फिलहाल अभी ना घर में हूँ, हाउसवाइफ हूँ, और पति देव जो है फौजी है, और मेरी एक क्यूट सी बेबी है अंशु है। और फैमिली में अगर आपको कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो बाय बाय दोस्तों।